जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है आत्मा का शरीर से कुछ समय के लिए जाना। आज का ये विषय अत्यंत गंभीर एवं रोचक सिद्ध होने वाला है आपके लिए। देखिए, हमने देखा है आजकल विशेषकर युवा वर्ग में ऐसा अत्यधिक हो रहा है, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, ये बीमारी तेजी से फैल रही है। मतलब आप कहीं किसी स्थान पर बैठे हैं, अपने क्लासरूम में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, अचानक से ऐसा होता है कि आपके शरीर की आत्मा आपका शरीर छोड़कर कहीं और भ्रमण करने चली जाती है, 10-15-20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए। हालांकि शरीर की जो आत्मा भ्रमण करने जाती है वो पूरी मात्रा 100% में नहीं जाती है, वो जाती है 60-70% की मात्रा में। परंतु इसको भी यही बोला जाता है कि आत्मा शरीर छोड़ के कहीं जा चुकी है, क्योंकि जब शरीर से 60 या 70% आत्मा का अंश आपके शरीर को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर भ्रमण करने जाता है, तो आपका ये शरीर किसी काम का नहीं रहता है। आप उस समय कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई कार्य कर सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं, ना आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी कार्य संभव नहीं है। किसी भी कार्य को करने के लिए आपकी आत्मा का 100% आपके शरीर में होना अनिवार्य है। आजकल खास तौर से युवा वर्ग में ये शिकायत आ रही है, ऐसा अत्यधिक हो रहा है, बहुत सारे युवाओं के साथ, युवतियों के साथ में हो रहा है कि वो अपने घर में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, स्टडी टेबल पर बैठे हैं, या कहीं ड्राइंग रूम में बैठे हैं, और अचानक से उनके शरीर की आत्मा का अंश उनका शरीर छोड़कर कहीं और दूसरी जगह भ्रमण करने चला जाता है, और उनका शरीर यहां पर निढाल सा हो जाता है, किताब खुली रह जाती है, किताब के आगे घंटों बैठे रहते हैं, कोई पढ़ाई नहीं होती, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, और घर वाले ये समझते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची तो 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, परंतु कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी आत्मा का अंश उसका शरीर छोड़कर किसी दूसरी जगह भ्रमण करने गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रायः उन युवक या युवतियों के साथ में होता है जिनकी की शरीर में सकारात्मक ऊर्जा अत्यंत कम मात्रा में होती है, इच्छा शक्ति विल पावर अत्यंत कमजोर होती है, और वो एक काल्पनिक दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं। वो दिन में बैठ के सपने देखते हैं, खुली आंखों से सपने देखते हैं, वो अपने ध्यान में अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के पास पहुंच जाते हैं, किसी जगह घूमने पहुंच जाते हैं, किसी और ख्यालों में चले जाते हैं, जिस कारण उसकी उन लोगों की आत्मा
उनका शरीर छोड़कर उनकी उन इच्छित जगहों पर पहुंच जाती है और उनका संपूर्ण ध्यान वहां केंद्रित कर देती है और एक काल्पनिक दुनिया में उनको डाल देती है जिसका कि वास्तविक जीवन में कोई महत्व नहीं होता है। वो अपना समय बर्बाद करते हैं, पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं, एकाग्रता की अत्यंत कमी हो जाती है और ऐसे खाली शरीर में जिसमें आत्मा का 60-70% शरीर से बाहर चला गया है, ऐसी आत्माओं को, ऐसे शरीर को नकारात्मक ऊर्जा भी अपना शिकार बड़ी आसानी से बनाती है। और प्रायः देखा गया है कि ऐसे बच्चे किसी ना किसी नकारात्मक शक्ति के कब्जे में होते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। वो अपने जीवन में कोई कार्य संपूर्ण रूप से कर ही नहीं पाते हैं, ना पढ़ाई कर पाते हैं, ना कोई कार्य कर पाते हैं। ये शिकायत आजकल बहुत देखी जा रही है। इसके निवारण हेतु अनेकों उपाय हैं, परंतु वो उपाय आप लोग स्वयं नहीं कर सकते हैं, ना इस वीडियो में सारे उपाय बताना संभव है। अगर हम बताने बैठे हैं तो वीडियो अत्यंत लंबी हो जाएगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप या आपका घर का कोई सदस्य इस समस्या से परेशान है तो आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क करें और इसका संपूर्ण हल कराएं, जिससे कि उसका जीवन पुनः सफल हो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।